प्रदेश में बेमौसम बारिश और सर्द गर्मी की वजह से मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने का अंदेशा है। इसे देखते हुए चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बच्चों को बीमारियों से बचाने और समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में व्यवस्थाओं में चाक चौबंद व्यवस्था की है। डॉक्टर कैलाश मीणा ने बताया कि इन दिनों उल्टी, दस्त, बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में मच्छर जनित रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। पहले से कुछ दौर दे धीरे धीरे देखा गया है कि वो आउटडोर या इंडोर बढ़ता जा रहा है। नहीं, आने वाले समय जो बरसात आएगी तो हमें पता आने वाला है, तो हमने उसके लिए बिल्कुल प्रबंध कर रखे हैं। हम तैयार हैं, कोई भी तरह की आती है बात तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कुछ दिनों में या ना, ये बरसात के बाद जैसे ये सब जानते हैं, स्कर्व टाइफस हुआ, डेंगू हुआ, दोनों बीमारी करीब एक तरह की होती है। ये होती है मच्छर से ही है फैलती, मतलब मच्छर से फैलती होती वायरस से है। ये खतरनाक होती है कि उसमें आपको पता खून बाहर खून निकलता है, बॉडी में पानी कम हो जाती है, दोनों बीमारियों में खतरनाक है। तो इसकी हम तैयारी कर रखी है, हमने वार्ड तैयार हैं, जैसे भी मरीज आएंगे हमने पूरी हॉस्पिटल तैयार है उसके लिए, स्थिति निमटने के लिए।